तो भाई आ चुका है हमारा ऑर्डर, जिसे एजार्ड भी कहते हैं और फ्लैशर भी बोलते हैं, जो हमारे इंडिकेटर्स में इंस्टॉल होता है। तो ये आ गया है NS50 का, जो हमारे देश में लगेगा। और मेरे पहले से लगा हुआ था बट वो ख़राब हो गया था, तो मैंने दूसरा मंगाया है। तो ये है हमारा एजार्ड। अब इसके जो थोड़ी सी अनबॉक्सिंग बची है वो हम इसके मैकेनिक के पास जाके करते हैं, बिकॉज वही अच्छे से कर पाएगा, तार वरना टूट जाए। तो मिलते हैं इसको इंस्टॉलमेंट करने के टाइम पर। तो बाय। तो भाई स्टार्ट हो चुका है, हम आ गए मैकेनिक पे और ये मैकेनिक भी आप देख रहे हैं कहाँ से खोलना है क्या खोलना है। तो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, तो बने रहे ब्लॉग में, हम देखते रहें। तो गैस भैया का थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो रही है क्योंकि इनको ये काम आता नहीं है और मैंने इनके सर पे एक काम डाल दिया। तो ये क्या कर रहे हैं ना कि पुराना जैसे हैज़ार्ड लगा था पर उसकी वायर वगैरह चेंज कर रहे हैं, उसकी पुराने की जगह नया लगा रहे हैं। तो गाइस इनका ज़्यादा मतलब मुझे भी पकड़ना पड़ेगा हेडलाइट वगैरह, तो मैं जा रहा हूँ हेडलाइट पकड़ने। आप देखते रहे ब्लॉग में और अब सीधा इंस्टॉलमेंट हो जाएगी हैज़ार्ड वगैरह की, तब मैं आपको सीधा उसकी लाइटनिंग, उसके पैटर्न्स, वो कैसे जलता है, कैसे ब्लिंक करता है सब दिखाता हूँ। तो गाइस मिलते हैं घर पे, तब तक आप ब्लॉग में बने रहे। सो लेट्स बिगिन। यार हैज़ार्ड्स लग गए, इंस्टॉलमेंट पूरी हो गई है, अभी दिख रहे होंगे आपको। और बैक के भी। सो अब हम यहाँ से करते हैं चेंज। अब चेंज हो गई है और फिर से चेंज हो गए। फिर चेंज हो गए। मतलब अलग अलग पैटर्न है इसमें सारे, 16 देख लो गाइस। सो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। हमारी हैज़ार्ड्स की फ्लैशर्स की बाइक में जो जल रहे हैं पीछे देखे आप। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो वो प्लीज़ बताएं कमेंट में। और अगर आपको हैज़ार्ड्स बाय करने हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं है, ठीक है। 50 रुपये लिए मैकेनिक ने लगाने के। और ये हमारा डन, हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।